नहीं लो तुम। पिताजी तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। मेरे गाय को पकड़ लो सत्यम, और मैं सब जोर जबरदस्ती करने लगा और मैं तब पे कहा हाथ लगे। बस मत आना। क्यों? अगर आपको मंत्री की बात बेटा पर विश्वास है तो उसको लेकर रख पड़ो। ठीक है सच्चा, अपना जान देने पर तुले हो। ठीक है झूठ बोले आकर बोलो, जब जान देने पर तुले हो तो हो गया विश्वास, हो गया विश्वास। सत्यन जब ऐसा किया है तो मैं उसे सजा अवश्य दूंगा, अवश्य दूंगा। मेरा धर्म है, मेरे राज का कर्तव्य है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही सजा देता हूँ। कहा जाएगा, कहा छूटेगा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, जिंदा दफन कर दूंगा मैं उसे। जाओ तुम घर में। पिताजी हाथ जोड़ते हैं पिताजी। क्यों? मुझे हवेली में जाने में डर लग रहा है पिताजी। डर लगता है? हवेली के अंदर मत भेजिए, मुझे यहीं पे रहने दीजिए। आपके पास मैं रहूंगी पिताजी। मेरे पास रहूंगी? पिताजी जाओ महल में, अपने माँ के पास जाओ। जा केवल आई ईटा जला के मार दूंगा। वो पापी का मेरे पास आ जाएगा। मैं कहता हूँ तुम जाओ, केवल पापी आएगा, घर नहीं आएगा, उसे काट के गिरा देगा। सत्यम ऐसा तूने क्यों किया? जरा सा भी ख्याल किया होता कि महाराज मुझे गोद लिए हैं, 14 कोस का राज सर करता सिंहासन मेरे हवाले करेंगे, मेरे नाम करेंगे, जरा सा भी ख्याल नहीं किया। ठीक है सत्यम, अब कहा जाएगा तुम, कहा छुपेगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा दफन कर दूंगा मैं तुझे। मार तो हम दिखा के तेरे बना घुसा के मारो। ये मैं जानता हूँ, तुम थाने में घुसा करके मारो। मजाक खनक जाता हूँ, तेरे बस की बात नहीं है। कौन सी नहीं करना है, तू बैठा इंतजार कर माई का फोटो खींच। महाराज के चरणों में रणधीर सिंह का प्रणाम हो। शर्म होनी चाहिए तुझे मेरा पैर छूने में, लगा दे होनी चाहिए। बाल बताओ, शर्म तो आपकी आपको होनी चाहिए। खबरदार थे, बाल बताओ, जब भी मैं रात मार जाता हूँ तो झुक कर सलाम देता हूँ और आप भी झुक कर सलाम देते हैं। चाहते हो? सत्या तुम्हारी क्या लगती है? सत्या हमारी बेटी लगती है। तुम्हारी बेटी लगती है और तुम्हारे बेटे की क्या लगती है? बहन लगती है। क्या इसमें कोई बहन लगती है? लेकिन वो कमीना नमक हराम कुत्ता, उसे बहन नहीं समझा। खबर मेरे बेटे को कमीना कुत्ता नरक मत बना। हाँ कुत्ता है, राजा मत बोल। आखिर मेरा बेटा क्या किया है? खून घमंड है। हाँ अरे तेरा खून गंदा हो गया है, कचरा मोबिल हो गया। हाँ बताओ, आपका खून गंदा हो सकता है लेकिन रणधीर सिंह का खून गंदा नहीं हो सकता है। राजा मत बोला, मार दी मंत्री। अरे बताओ
लगता है आपको कोई टक्का में मिला दिया है। भगाने वाला कौन है? आखिर ये कौन बकाएगा? आखिर ये बात आपको किसने कहा है? सत्य ने आकर के दरबार में सारी बातें रो रो कर मुझसे कह कर गई है। सत्या बेटी? हाँ हाँ, अगर इजाजत हो तो सत्या से ये बात मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, पूछ सकते हो। अगर ये बात सच्ची निकल गई तो तेरा और तेरे बेटे की क्या हालत करूंगा ऊपर वाले जाने में। अगर ये बात झूठ निकली तो ठीक है, मेरी तलवार आपका खत्म होगा। ऐसा ही सच बात हुई तो रणधीर सिंह की तलवार और रणधीर सिंह का कत्ल होगा। समय इंतजार करो। ठीक है, अपने बेटी को बुलाओ। द्वारपाल जाओ, सत्या को बुला करके लाओ। लेकिन एक बात है मालिक, जब मैं आपकी बेटी से कुछ पूछूंगा तो बीच में बोलना मत। आज आज मर्डर हो ही गया लगा, तेरा ही मर्डर होगा। बैठ जा, ए सत्या। देखे हो? देखे तू नीचे बोलिया, ऊपर गोसवा उतार दी बब्बी। सत्या इधर आओ, आओ बेटी। बताओ इस कमीने से। बोल सत्या। सत्या बेटी एक बात पूछ रहा हूँ, सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना। बेटी तुझे मालूम नहीं ये राजघराना है? जरा सा झूठ बोलोगी तो यहाँ खून की नदियां बहेगी। धरती ऊपर आसमान बीच में रेंगने वाले हम एक कीड़े हैं। जो मैं पूछूंगा बेटी सच बोलना, ये बताओ मैं तेरा चाचा लगता हूं कि नहीं? बोल बेटी। चाचा के कहने की बात है, चाचा मैं आपको अपने पिताजी से बढ़कर मानती हूँ चाचा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक बात और सच बोल देना बेटी, क्या लगा बेटा सत्यम तेरे दामन में दाग लगा दिया है? सच बोल बेटी, अगर ये सच होगा तो मैं आज इस रात दरबार में अपने बेटे को जिंदा इस महल में दफन कर दूंगा। बोल बोल बेटी बोल, क्या मेरे